हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा एनकेएस लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि वैदिक काल चल रहा है, जो हम लोग का टॉपिक उसी से संबंधित आज मैंने पेपर भी सॉल्व करवाए और कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको बता दें, जहाँ से काफ़ी प्रश्न आने की संभावना भी है और पूछे भी जा रहे हैं बराबर। तो आज हम लोग विद्वत थोड़ा चर्चा करें कि वैदिक काल, देखो वैदिक काल को हमने दो भागों में बांटा है, एक तो 1500 BC से 1000 BC, दूसरा 1000 BC से और 600 BC, 600 सॉरी 600 BC। ठीक, तो ये जो है ये तुम्हारा ऋग्वैदिक काल हो जाएगा, इसको ऋग्वैदिक बोलते हैं कि ये ऋग्वैदिक काल हो गया। ठीक, और ये आपका उत्तर वैदिक काल हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया। ठीक है, ये दो भागों में डिवाइड किया गया। मैंने आपको पहले बताया कि वास्तव में जो ऋग्वैदिक काल था ये कैसा समाज था, ग्रामीण समाज था, समाज ये ग्रामीण था। जब ग्रामीण समाज होगा तो आप लोग जान रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, दो चीजें होती हैं। एक तो नंबर एक होता है पशुपालन होगा, पशुपालन, और दूसरा क्या होगा, कृषि कार्य होगा। तो ये याद रखना, कृषि कार्य कि वास्तु में पशुपालन जो था ये इनका प्रमुख व्यवसाय था ऋग्वैदिक काल में। ये ऋग्वैदिक काल में था, और उत्तर वैदिक काल में हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एग्रीकल्चर हो गया। क्या हो गया, एग्रीकल्चर वाला हो गया। कृषि कार्य को जगह, यानी कि ऋग्वैदिक काल में पशुपालन था और उत्तर वैदिक काल में कृषि कार्य हो गया। अब देखो, ध्यान देने वाली बात है कि पशुओं में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था, सबसे महत्वपूर्ण अगर पशु पूछा जाए तो गाय थी। गाय जो थी उस समय लोगों की अर्थव्यवस्था यानी कि गाय पर डिपेंड थी। इसके बाद दूसरा पशु जो था आपका सेकंड नंबर का जो पशु है उस घोड़ा था, कौन था, घोड़ा। तो ये चीज याद रखना। दूसरी चीज कि अब ये लोग कैसे थे, तो मात्र देखो यहां पर पितृसत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था, पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक समाज था। अब एक चीज और याद रखना यहां पर कि पितृसत्तात्मक जो समाज ऋग्वैदिक काल में था, आज वास्तव में मित्रों याद रखना कि वर्तमान में भी यही है। वर्तमान में कैसे, क्योंकि आज भी पिता के नामकरण से ही, यानी कि याद रखना कि पिता का नामकरण जो होगा कुल, उसी के कुल पर पुत्र का नाम रखा जाता है, ये चीज याद रखना। ठीक, तो यानी कि उस समय की जो व्यवस्था थी वो आज भी लागू है। दूसरी चीज, वास्तव में ऋग्वैदिक काल में या आपकी स्थितियां महिलाओं की कैसी थी, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो वास्तव में अगर देखा जाए ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। लेकिन अभी एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या इनको प्रॉपर्टी और पॉलिटिक्स में, पीपी याद रखना, भाग लेने का अधिकार था, तो यहां दोनों जगह अधिकार नहीं था। लेकिन अब अधिकार यहां नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं, स्वयंवर जो प्रथा थी, ये स्वयंवर जो प्रथा है ये किस समय की देन है, तो ऋग्वैदिक काल की देन है। देखो स्वयंवर प्रथा ये भी ऋग्वैदिक काल में, और इस समय स्त्रियां अपना वर स्वयं चुन सकती थीं। इनकी विवाह की आयु जो थी 17 से 18 वर्ष, ये विवाह की आयु थी, यानी कि उस समय स्थितियां यानी कि महिलाओं की बहुत अच्छी थी। और कहा जाए कि स्वयंवर प्रथा क्या अगर प्रचलन आया तो ये ऋग्वैदिक काल में आया। अब इस समय अपाला है, घोषा है, सिग्धा है, विश्वरा है, ऐसी विदुषी गार्गी, देखो गार्गी ने खुद जनक के दरबार में एक संवाद होता है जहां पर याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद होता है, इसका उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है कि गार्गी इतनी विद्वान थी कि एक जगह जब प्रश्न किया और जब
उत्तर देने में असमर्थ यानी फंसने लगे, तब याक बल्लक ने ये कहा कि शांत हो जाओ नहीं तुम्हारा सिर फोड़ देंगे, और बाल जूड़ा पकड़कर और सर दीवार में क्या करते हैं, टकरा देते हैं। तो ये चीज याद रखना। दूसरी चीज, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना कि ऋग्वैदिक काल में हमारे वेद आए। वेद कितने थे? चार। ऋग्वेद था, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, तो मंडल याद रखना 10 मंडल थे। कितने मंडल थे? तो 10 मंडल थे। यहाँ पर मंडल की संख्या, यहाँ पर देखो 100% क्वेश्चन आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, 10 मंडल थे। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन मंडल कौन है, तो सबसे प्राचीन मंडल 2 और 7 है। 2, 7 को सबसे प्राचीन मंडल की श्रेणी में रखा गया है, और एक ही ऋषि कुल के परिवारों ने इसकी रचना की थी। और कहा जाता है कि तीसरे मंडल यानी कि विश्वामित्र से है, तो विश्वामित्र वाला भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा, विश्वामित्र वाला तो कई बार। फिर इसके बाद चौथा मंडल आत्रि से है, किससे है? आत्रि। चौथा मंडल भी हमने देखा कई बार, चौथा मंडल भी पूछा गया है। और पांचवा मंडल किससे है? तो भरद्वाज से, भरद्वाज, तो भरद्वाज। और सातवां मंडल वशिष्ठ से। तो ये मंडल आपको पढ़ के जाना है। और नवे मंडल में यानी कि यहाँ पर सोम देवता का उल्लेख हुआ है, सोम देवता का उल्लेख हुआ है। और यहाँ पर कहा जाए कि दसवें मंडल में चार जातियों का उल्लेख हुआ था, और ये पुरुष सूक्त में मिलता है, पुरुष सूक्त में यानी कि चार जातियों का उल्लेख का जानकारी। अब देखो उसके बाद, इसके बाद देखो और क्या क्या है भाई, जरा हम बता दें आपको। अच्छे समझ लेना इसको। और इसके बाद हमारे आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। देखो ब्राह्मण ग्रंथ, इनकी भी बड़ी भूमिका है। देखो ऋग्वैदिक हो गया, ऋग्वैदिक के बाद कौन हो गया? सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और अथर्वेद हो गया। इनके ब्राह्मण ग्रंथ भी याद रखना कि पूछ दिया जाता है, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है। देखो अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं हम लोग कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन थे, तो ऐतरेय और कौस्तकी थे। ऐतरेय और कौस्तकी, कौस्तकी, ये दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। देखो अब यहां पर ध्यान देना है कि ऋग्वेद के जब भी पूछा जाए दो ब्राह्मण ग्रंथ बताइए, तो ऐतरेय और कौस्तकी। अब यही चीज आए सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। देखो सामवेद वाला भी पिछले बार क्वेश्चन ये पूछा गया था सामवेद से कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ, तो तांडव और जैमिनी, जैमिनी ये दो हो गए सामवेद के हो गए। अब यही पूछा जाएगा यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। देखो यजुर्वेद से पिछले बार क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका कौन सा है, तो शतपथ ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण में कारण ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट है, जितने ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, तो शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ये गद और पद दोनों में लिखा गया था। यहां पर ये कहा जाता है कि पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया था शतपथ ब्राह्मण में। और कृषकार की चार क्रियाएं भी मिलती हैं, जल प्लावन की कथा का उल्लेख होता है, उर्सी का कथा का उल्लेख हुआ। अथर्वेद जो है, या अथर्वेद का मात्र एक ब्राह्मण ग्रंथ है गोपत ब्राह्मण, कौन सा है, तो ये गोपत ब्राह्मण हो जाएगा। तो ये याद रखना कि ये ब्राह्मण ग्रंथ आपके हो गए, ठीक है। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ के बाद कुछ और चीज है जैसे कि आपको भी और बताते हैं। अब देखो ब्राह्मण ग्रंथ के बाद क्या आता है, उपनिषद, उपनिषद अरण्यक ये आते हैं। अब देखो ध्यान देना यहां पर,
अभी हमें आर्णेक देखना है, क्या देखना है, आर्णेक वाला देख लो। अब ऋग्वेद के आर्णेक, और देखो ध्यान देना कि ऋग्वेद के आर्णेक वही हैं, कौन, ऐतरेय और कौस्तकी, जो इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं वही इसके आर्णेक भी हैं। तो ऐतरेय और कौस्तकी इसके ये हो जाएंगे। और इसके बाद जैसे कि ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अर्णेक तो ये हो गए, और सामवेद के जैमिनि और छंदोक, छंदोक हो जाएगा, ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो छंदोक हो जाएगा। इसके बाद यजुर्वेद का कौन कौन सा हो जाएगा, यजुर्वेद वाला बृहदारण्यक है, कौन सा, बृहदारण्यक है, ठीक। बृहदारण्यक के बाद यह भी देखो, एक बार बृहदारण्यक पूछा गया कि किसका है, और तैत्री है, और ये सतपथ भी है, सतपथ आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अथर्ववेद का अगर पूछा जाए कि अर्णक कौन है, तो इसका कोई अर्णक नहीं है, ठीक है, तो ये चीज याद है, अथर्ववेद का कोई अर्णक ग्रंथ नहीं है। फिर इसके बाद देखिए, अब इसके बाद उपनिषद की चर्चा हम लोग कर लें कि उपनिषद ऋग्वेद के कौन से हैं। देखो यहां पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, अब देखो ऋग्वेद के उपनिषद कौन है, तो फिर याद रखना इसका वही होगा, ऐतरेय और कौस्तकी, कौन होगा, कौस्तकी, ऐतरेय और कौस्तकी होगा, ठीक है। तो उपनिषद इसके ऐतरेय कौस्तकी हो गया। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद ऋग्वेद के बाद सामवेद का पूछा जाए, तो यहां जैमिनि और छंदोग, छंदोग उपनिषद। अब देखो छंदोग उपनिषद में आपको एक चीज याद रखनी है कि छंदोग उपनिषद में तीन आश्रम की जानकारी हमें मिलती है, कितने, तीन आश्रम, यानी कि तीन आश्रम की जानकारी हमें किसमें मिली है, तो छंदोग उपनिषद में। और छंदोग उपनिषद में क्या जानकारी मिलती है कि देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख, देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख किसमें मिलता है, तो छंदोग उपनिषद में मिलता है। ये मित्रों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस वजह से आप लोग इसको जरूर तैयार करके जाइए। अब इसके बाद इसका कौन सा हो जाए, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद हो जाएगा, है ना। देखो ये तो खैर नहीं पूछा जाए, तैत्री उपनिषद हो जाएगा, तैत्री उपनिषद, ठीक। तैत्री उपनिषद के बाद इसका एक सतपथ भी है उपनिषद। और अथर्ववेद का देखो, अथर्ववेद का उपनिषद कई बार यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि देखो मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडकू उपनिषद, ठीक। देखो मुंडक उपनिषद, मांडकू उपनिषद और मैत्री, मैत्रिणी, देखो यह भी क्वेश्चन का है, मैत्रिणी उपनिषद, यह भी कई बार पूछा गया है, और बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद। तो ये उपनिषद आप यहां से भी इसके ज्यादातर पूछे जाते हैं, इनको भी ध्यान देना। इसके बाद हमारे और क्या चीजें हैं जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको आप देखते जाइए। अभी कुछ और महत्वपूर्ण चीज है, उनको भी हम बता दे रहे हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आते भी कई हैं। जैसे कि अक्सर पूछा जाता है कि महिलाएं किसमें भाग लेती थी, तो यह भी याद रखना कि महिलाएं भाग कहाँ कहाँ ले सकती थी, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ देखो, यहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे यहाँ सभा दिया है, सीमित दिया है, विदभ दिया है, विदभ और गढ़ दिया है। अब यहाँ पे चार ऑप्शन होंगे, आपसे पूछा जाएगा महिलाएं किसमें भाग ले सकती हैं, तो आप याद रखना कि यहाँ पर महिलाएं भाग ले सकती हैं, ठीक।
ये चीज याद रखना कि सभा और विदर्भ में भाग महिलाएं ले सकती हैं, ठीक है? तो ये चीज याद रखना। अब देखो, सभा को हम लोग अपर हाउस कहते हैं, क्या कहते हैं? अपर हाउस कहते हैं, ठीक है? अपर हाउस, और सीमित को लोअर हाउस कहते हैं, क्या कहते हैं? तो लोअर हाउस कहते हैं। तो ये चीज विदर्भ और गढ़, ठीक? तो यहां महिलाएं भाग लेती हैं, यहां महिलाएं भाग लेती हैं, और पावरफुल इसमें सबसे ज्यादा कौन है? तो सीमित है, ठीक? ये चीज याद रखना। अब इसके बाद स्मृतियां, स्मृतियों का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि स्मृतियों को अक्सर पूछा गया है कि आपकी स्मृतियां, जैसे 3-4 बार क्वेश्चन स्मृतियों से पूछ दिया गया है। जैसे कि एक हम सूत्र बता दे रहे हैं आपको, ये सूत्र याद रखना, माई एन पी वी के डी, ये स्मृतियां होगी। ये अगर कोई सूत्र याद रख लेगा जिंदगी में, फिर यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यानी कि माई मन मेरा, नाम क्या था? एन पी, और कहां पर हम जा रहे हैं? वी के डी कॉलेज जा रहे हैं। ये मेरा नाम एनपी है और वीकेडी ये कॉलेज का नाम हो गया, वहां हम जा रहे हैं। तो माई मीन्स हो गया मनुस्मृति, कौन हो गया? ये हो गया आपका मनुस्मृत हो गया। देखो मनुस्मृत, और ये आपकी याग्वल्लक स्मृत हो गई, कौन सी हो गई? याग्वल्लक। तो याग्वल्लक जो स्मृति हुई, अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, कौन स्मृति है जिसने महिलाओं का मुंडन संस्कार की बात करी है? मुंडन संस्कार यानी कि यही बात इसने की मनुस्मृति में। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलना चाहिए, किसने बात करी? मनुस्मृति में। तो मनु महिलाओं के कट्टर पहले थे, और कहा जाए मनु ने यहां तक कहा कि महिला का स्थान पैर की जूती के समान होना चाहिए, यानी कि इतना मनु ने पहले तो बहुत आलोचना की। लेकिन बाद में यानी कि मनु जब बुजुर्ग हुए, उन्हें लगा, और इन्हें 10 शादी की थी, और सबसे ये कहते थे एक शादी करना, लेकिन इन्हें खुद 10 शादी की। और बाद में मनु ने यानी कि जो भी हो, जो कंडीशन बनी हो, बाद में इन्होंने लास्ट में ये कहा था कि जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। और यही मनु पहले महिलाओं के कट्टर विरोधी थे। याग्वल्क स्मृति पहली ऐसी स्मृति है जिसने महिलाओं को उत्तराधिकारी में यानी कि संपत्ति में उत्तराधिकारी में महिलाओं को भाग मिलना चाहिए, ये बात याग्वल्क स्मृति ने कही है। याग्वल्क का मानना था कि किसी स्त्री का पति अगर मर जाता है या युद्ध में शहीद होता है तो उसका उत्तराधिकारी पत्नी को मिलना चाहिए। नारद स्मृति क्या है? नारद स्मृति ऐसी स्मृति यानी कि इसमें 14 प्रकार के दासों का उल्लेख भी है, और मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख था। नारद में ये कहा गया कि दास अपनी मुक्ति से, यानी दास जो है अगर अपना जो यानी कहा जाए दास खरीदा जाता था, अपने मूल का अगर वो 10 गुना देता था तो दास से मुक्ति प्राप्त कर सकता था। यानी कि दास प्रथा की मुक्ति की बात अगर बात होती है तो नारद स्मृत ने कहा है, ठीक है? और इसके बाद पराशर स्मृत है, और कहा जाए देवल स्मृत ज्यादा पूछी जाती है। देवल विष्णु स्मृत भी है। देखो विष्णु स्मृत, विष्णु स्मृत में ये कहा गया कि ये जो स्मृत थी ये गुप्तकालीन स्मृत थी, है ना? ये गुप्तकालीन स्मृत थी। और कहा जाए देवल स्मृत एक ऐसी स्मृत थी कि जो हिंदू धर्म का व्यक्ति अगर उस समय इस्लाम धर्म का प्रवेश हो चुका था, क्योंकि हरियर और बुक्का इस्लाम धर्म के थे, मतलब हिंदू धर्म के थे, और जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये इस्लाम धर्म का था, और इसने इस्लाम धर्म में उन लोगों को परिवर्तित कर दिया, क्योंकि राजपट अटैक किया, बंदी बनाया, दिल्ली लाया और इस्लाम धर्म में परिवर्तन कर दिया। और कोई भी व्यक्ति अगर इस्लाम धर्म में जाता है, अपने धर्म में पुनः आता है, तो ये देवल स्मृति ये कार्य करती थी कि पुनः अपने धर्म में लौटना, यानी कि देवल स्मृति में पूजा पाठ यज्ञों के द्वारा अपने धर्म में वापस करने का विधान देवल स्मृति में मिलता है। अब देखो वेदांग कितने हैं, इसकी भी हम चर्चा कर दें। देखो वेदांग से अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और आज आप लोग समझ लीजिए वेदांग से फिर कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। वेदांग हमारे 6 हैं,
वेदांग है। वेदांग कितने हैं? तो वेदांग हमारे छह। अब देखो छह कौन कौन से हैं वेदांग, ये हमारे वेदांग है, वेदांग हमारे छह हैं। अब छह कौन से हैं? जैसे नंबर एक व्याकरण हो गया, है ना। व्याकरण के बाद हमारा क्या हो जाएगा? ज्योतिष हो जाएगा, है ना। तो व्याकरण हो गया, ज्योतिष हो गया, फिर हमारा निरुक्त हो जाएगा, है ना। जो देखो व्याकरण ज्योतिष निरुक्त इनके तो बहुत ही ज्यादा चर्चा हुई है, ठीक है। इसके बाद देखो व्याकरण हो गया, ज्योतिष हो गया, निरुक्त हो गया, कल्प हो गया, है ना, कल्प हो गया। तो कल्प से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को ध्यान देना है कि व्याकरण के बाद कल्प। तो कल्प में यानी कल्प हमारे क्या हो जाएंगे? हाथ हो जाएंगे। और कहा जाए कि जब भी हाथ हमारे जब उठे तो अच्छे कार्य के लिए उठे, तो शिक्षा व्याकरण, है ना। अब इसके बाद शिक्षा भी है, ठीक है। तो व्याकरण ज्योतिष निरुक्त कल्प शिक्षा क्या हो गया? एक दो तीन चार पांच और ये छंद हो गया। तो ये शिक्षा को चाहो ऊपर भी रख सकते हैं, यहाँ भी शिक्षा को रख सकते हैं, शिक्षा को यहाँ रख लीजिए। तो शिक्षा के यहाँ से हटा दीजिए, शिक्षा को ऊपर रखिए, छंद ये। तो वो शिक्षा हमारी क्या है? कोई व्यक्ति कहता है शिक्षा, तो शिक्षा हमारी नाक है। अगर आपकी वास्तव में पढ़े लिखे हैं तो अच्छी सोसाइटी में जा सकते हैं, नाक अपनी ऊंची कर सकते हैं। पढ़े लिखे नहीं है तो क्या है कि वो कहते हैं घर वाले की नाक कटवा दी। तो ये चीजें हैं। तो शिक्षा हमारी नाक है, व्याकरण हमारा मुख है। व्याकरण से क्या है? मुख, यानी कि जो भी बातें निकले अच्छी निकले। ज्योतिष क्या है? हमारी आंखें हैं, ज्योतिष हमारी आंखें हैं। निरुक्त हमारे क्या है? कान है, हमेशा अच्छी बातें सुननी चाहिए, खराब बातें निकाल देनी। कल्प हमारे क्या है? हाथ हैं। और छंद हमारे पैर हैं, यानी कि हाथ भी उठे तो तुम्हारे दया भाव के हाथ उठे, गलत जगह के हाथ नहीं उठना चाहिए। यार नहीं, आप शक्तिशाली हो, किसी दुर्बल को मारे पीटे ये भी गलत है। पैर यानी कि हमेशा अच्छी जगह पड़े, यानी कि गलत स्थान पर, यानी कि जहाँ पर यानी कि मद्रापान ये सारी चीज़ें वहाँ पर ऐसी जगह पैर नहीं पड़े, अच्छे स्थानों पर पैर पड़े। तो छंद यानी कि जो चीज़ें दी गई हैं उनका कुछ न कुछ अर्थ होता है। और इसी तरीके से व्याकरण है और महाकाव्य है। व्याकरण हमारे कहा जाए कि दो हैं, एक तो पाणिनि का अष्टाध्यायी है, पाणिनि के एक अष्टाध्यायी है, यह भी एक व्याकरण है, और पतंजलि का महाभाष। तो ये चीज याद रखना, दो व्याकरण हो गए, दो महाकाव्य है, एक रामायण है, एक महाभारत है। तो मित्रों आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल पुनः फिर अगली वीडियो में, ठीक है। आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए अच्छे से। कल हम और आपको बताएं, कल विधिवत आपको और चर्चा करेंगे।